कंझावाला कांड के आरोपियों का हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट, बयानों में विरोधाभास। पूछताछ में अलग अलग बयान दे रहे हैं पांचों आरोपी, कोर्ट से परमिशन के बाद हो सकता है टेस्ट। कंझावाला कांड में पूरे रूट की मैपिंग कर रही है दिल्ली पुलिस। होटल से दिल्ली तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस, कई सवालों की पड़ताल जारी। कंझावाला कांड की जांच को लेकर देर रात दिल्ली पुलिस ने की हाई लेवल बैठक, इंक्वायरी रणनीति पर चर्चा। जबकि कंझावाला हॉरर केस में एफएसएल ने की बलेनो कार की जांच, कार के नीचे मिले खून के धब्बे। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना में एफएसएल ने की छानबीन, मृतक अंजलि की स्कूटी की भी जांच। घटनास्थल पर भी गई एफएसएल की टीम, आरोपियों का ब्लड सैंपल दिल्ली पुलिस ने एफएसएल को सौंपा, जल्द पूरी होगी रिपोर्ट। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल की पुष्टि नहीं, शरीर पर 14 से 15 जख्मों के निशान का जिक्र। अंजलि को इंसाफ की मांग के साथ दिल्ली के जंतर मंतर में कैंडल मार्च, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। वही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी शालिनी सिंह का बयान, पुलिस की लापरवाही की हो रही है जांच, गृह मंत्रालय को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कंझावाला हॉरर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया, एक्सीडेंट के बाद बलेनो कार जिस रास्ते से गुजरी उसी रास्ते पर चंद मिनट बाद दिखी पीसीआर वैन। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खुद को अंजलि की दोस्त बताने वाली निधि की जांच की मांग की है, कहा कैसी दोस्त जो मरी हुई सहेली की भी नहीं हो सकी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की पीड़ित के परिजनों से मुलाकात, मदद का भरोसा दिया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को बताया असंवेदनशील, कहा बीजेपी अपने नेता मनोज मित्तल और साथी आरोपियों को बचा रही। मिशन नॉर्थ ईस्ट पर गृहमंत्री अमित शाह, अगरतला में चुनावी रथ यात्रा की करेंगे शुरुआत। खराब मौसम की वजह से देर रात गुवाहाटी में शाह के विमान के लैंडिंग, एयरपोर्ट पर गृहमंत्री का स्वागत। बिहार में आज से यात्रा पॉलिटिक्स का आगाज, नीतीश कुमार शुरू करेंगे समाधान यात्रा। बिहार के शिवहर में समाधान यात्रा के दौरान आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर तैयारी। बांका से मल्लिकार्जुन खड़गे शुरू करेंगे कांग्रेस की पदयात्रा, जेडीयू ने किया किनारा, आरजेडी पर सस्पेंस। जबकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का नीतीश की समाधान यात्रा पर हमला, कहा यह नीतीश की विदाई यात्रा है, यह समाधान नहीं विवधान यात्रा है। हल्द्वानी अतिक्रमण किया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 4000 से ज्यादा मकानों को तोड़ने का नोटिस है। असम के बोगाई गांव में स्कूल में बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाते दिखे विधायक फणी भूषण चौधरी, बच्चों को समझते हुए नजर आए। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा वाल्मीकि स्कूल के हरिजन छात्रों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। अहमदाबाद में पठान फिल्म के प्रमोशन को लेकर मॉल में हंगामा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मॉल में आए थिएटर में हंगामा करके रिलीज न करने की चेतावनी जारी की। निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ डाली थी याचिका। आज शामली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, देर रात पानीपत पहुंचने की उम्मीद। वही समाजवादी पार्टी नेता आजम खान पर एक बार फिर लगा 2000 का हर्जाना, जिरह ना करने पर आजम खान पर लगा हर्जाना, 23 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। राजस्थान के पाली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया 18वीं राष्ट्रीय जंबूरी का उद्घाटन, 35,000 स्काउट गाइड्स की सलामी, वाहन में बैठकर एशिया के सबसे बड़े स्टेडियम में सभी का किया अभिवादन। बागपत में राहुल गांधी ने सर्दी में टी शर्ट पहनने के सवाल पर कहा, राहुल गांधी की टी शर्ट पर नहीं बल्कि किसान के बेटे की फटी शर्ट पर सवाल पूछा जाना चाहिए। सूरत में मकर संक्रांति से पहले ही मची धूम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाली पतंगों की भारी डिमांड।
आगरा में G20 की तैयारियां जोरों पर, शहर के नामचीन संस्थाओं के साथ अधिकारियों ने मीटिंग की। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की अध्यक्षता में बैठक। तमिलनाडु के मदुरई में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पोंगल उपहार में गन्ने खरीदने की घोषणा की, कलेक्टर एस अनीश शेखर ने मेलूर क्रिकल में गन्ने की खरीद का निरीक्षण किया। उधर अकोला में 40 साल से पक्के अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई, 100 से ज्यादा कच्ची और पक्की दुकानें टूटी। यूपी के फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में पुलिस का एक्शन, कई बड़े संस्थाओं के खिलाफ नोटिस जारी किए। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री मानिक साहा ने आधार पर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुति का उद्घाटन किया। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री मानिक साहा ने राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन किया। जबकि पटना में पुलिस ने बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज किया, पारदर्शी भर्ती परीक्षा की मांग कर रहे थे ये युवा। अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, कहा लाठीचार्ज होता रहता है, जो कोई कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। वही केरल के तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन मंत्रिमंडल में CPIM नेता साजी चेरेन की वापसी, बीजेपी ने वापसी के विरोध में मनाया संविधान संरक्षण दिवस। चेन्नई में नेत्रहीन उम्मीदवार कर रहे तमिलनाडु सरकार की नौकरियों की तैयारी। उधर नोएडा में एक मजदूर को गिरा मिला 1.5 लाख का आईफोन, मजदूर ने पुलिस को सौंपा, दिखाई पड़ा। हैदराबाद में ABBFIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस टिकट की बिक्री शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के रायसेन में दुनिया का अनोखा म्यूजियम, 30 साल में अनुपयोगी लकड़ियों से खोजी दुनिया की अनूठी वुड आर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में सबसे बड़े धार्मिक माघ मेले की 6 जनवरी से हो रही है शुरुआत, सबसे बड़ा आकर्षण माने जाने वाले कल्पवास की भी शुरुआत 6 जनवरी को होने जा रही है। दरभंगा में स्कूली बच्चों में खेल प्रतिभा उभरने को लेकर की गई प्रतियोगिता, कला संस्कृति युवा विभाग ने किया इसका आयोजन। दिल्ली में लगातार गिर रहा तापमान, धुंध और कोहरे के बीच ही मोटी चादर। गोरखपुर में शीतलहर का प्रकोप जारी, बढ़ती ठंड से हो रहा जनजीवन प्रभावित। आगरमालवा में कड़ाके की ठंड और कोहरे से बढ़ाई लोगों की परेशानी, पूरा शहर भीषण ठंड की चपेट में। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में तापमान -0.7 डिग्री तक पहुंचा, छाया घना कोहरा। उधम सिंह नगर में कोहरे की चपेट में आया पूरा शहर, लोग ले रहे अलाव का सहारा। पठानकोट में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है, विजिबिलिटी हुई काफी कम। गाजियाबाद में पूरा शहर शीतलहर की चपेट में, लोग घरों में कैद होने को मजबूर। पाली में ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, बढ़े कोहरे से आवाजाही में बाधित। हरिद्वार में ठंड के चलते गंगा घाट हुआ खाली, पूरे दिन छाया रहा कोहरा। इंदौर में कड़कड़ाती ठंड में एक शख्स की मौत हो गई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उधर आगरा में बजरंग वाहिनी के सदस्यों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया, हिंदुओं की हत्या पर आक्रोश। उत्तर प्रदेश के बांदा में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, मामले की जांच शुरू। राजस्थान के सीकर में शादी के 17 साल बाद लाखों रुपयों के जेवरात लेकर चली गई पत्नी, पति ने अपने भाई पर लगाया पत्नी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप। उधर नोएडा में नए साल की रात फूड डिलीवरी बॉय को कार ने टक्कर मार दी, 1 किलोमीटर तक घसीटा डिलीवरी बॉय की मौत। बिहार के नवादा में एक मदरसे में नाबालिग छात्रा के साथ मौलवी ने की गलत हरकत, हुआ गिरफ्तार। बरेली में मामूली का सुनी होने पर युवक की गोली मारकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। बिहार के बघा में फर्जी उत्पाद विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, थाने के एक सिपाही ने बनाई थी फर्जी उत्पाद टीम। बरेली में एक युवती के साथ किया 5 युवकों ने दुष्कर्म, नशे के आदि पीड़िता के भाई ने भी लगाई अपने घर में आग। उधर झारखंड के धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान गैंग के 4 अपराधी गिरफ्तार, कारोबारियों से रंगदारी की करते थे ये मांग। गुरदासपुर में विधवा के प्रेमी ने की आत्महत्या, पुलिस मामले की कर रही है जांच। जबकि पंजाब के होशियारपुर में लूट की नियत के साथ घर में घुसे बदमाशों ने हत्या कर दी, पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया है।
उत्तर प्रदेश के बांदा में महिला क्लर्क की मौत के बाद सैकड़ों छात्रों ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी करके सड़क किया जाम। रुड़की में पुलिस ने चार अंतर्राज्यीय चोरों को किया है गिरफ्तार, 6 लाख की वॉशिंग मशीन बरामद की। जबकि अमरावती में महिला के रहस्य में हत्या की गुत्थी पर सुलझी, शातिर अपराधी को 11 महीने बाद गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को भेजा गया जेल, उपद्रवियों ने लगाई थी आरोपी की कार में आग, आरोपी ने किया था सरेंडर। उत्तरकाशी में एक घर में लगी भीषण आग, पूरा घर जलकर हुआ खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। झारखंड के रामगढ़ में थाने में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, हादसे में कई महत्वपूर्ण कागजात जलकर राख। जमशेदपुर में 2 करोड़ की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, पीड़ित के भाई ने ही करवाई थी चोरी। धौलपुर में पेयजल पाइपलाइन उतारते वक्त युवक की मौत पर जनों ने ठेकेदार पर लगाए आरोप। देश के सबसे बड़े ऑयल चोर को सूरत पुलिस ने कोलकाता से किया गिरफ्तार, अब तक करीब 400 करोड़ की कर चुका है तेल की चोरी। अमरोहा में दो पक्षों में मारपीट, घटना में पूर्व महिला प्रधान की मौत। जबकि अमरोहा में डिलीवरी के लिए अस्पताल गई महिला के पेट में छोड़ा तौलिया, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। कानपुर में दारू पीकर छेड़खानी करने वाले पुलिसकर्मियों की महिला ने की पिटाई, पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज। उधर गया में पुलिस ने 36 एकड़ जमीन पर लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया, अब तक 356 एकड़ जमीन पर लगी अफीम की फसल का नष्ट किया गया है। रांची में 8 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, 3 नक्सली महिला भी इसमें शामिल है। आज तक की खबर का असर, बांदा के जिला अस्पताल में कुत्ता और गाय टहलने के मामले में डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को दिए जांच के आदेश। एएसआई ने 6 गाड़ियों को टक्कर मार दी, हादसे में एएसआई समेत 3 लोग जख्मी हैं। भोजपुर में अवैध शराब कारोबारी के घर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ईंट पत्थर से हमला, एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 50 लाख की एक ट्रक शराब समेत 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज में धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर नदी में गिरी, ड्राइवर लापता।